का प्रतीक रक्षाबंधन को लेकर खापरखेड़ा शहर के बाजारों में रौनक लगी है। अपने भाइयों की कलाइयों को रंग बिरंगी राखियों से सजाने को उत्साहित बहनों के बाजार में पहुंचने से दुकानदार भी खासे उत्साहित हैं। आज 11 अगस्त को मनाए जाने वाले पर्व के चलते मुख्य बाजार सहित शहर के अन्य क्षेत्रों में स्थित मनियारी मिठाई व फलों की दुकानों में रौनक देखते ही बन रही है। खापरखेड़ा शहर के मुख्य बाजार में राखियों से सजी दुकानों में मौली, रेशम, बर्ड से लेकर बच्चों के पसंदीदा कार्टून वाली राखियां उपलब्ध है। बाजार में सामान्यतः 2 रुपए से लेकर 200 रुपए तक राखियां मौजूद है। हालांकि महंगी राखियों की खरीदारी करने वालों की संख्या सीमित है, इसके बाद भी सराफा की दुकानों पर लोग खरीदारी करते हुए नजर आ रही है। रक्षाबंधन पर्व की वजह से बाजार में राखियों के अलावा अन्य दुकानों में भी लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। इससे दुकानदार काफी उत्साहित हैं। कोरोना के चलते लगभग 2 साल से बाजार मंदा रहा है, ऐसे में दुकानदार को इस साल त्योहारों पर अच्छा कारोबार होने की उम्मीद है। कई दुकानदारों ने गिफ्ट आइटम और अन्य सजावटी सामानों का स्टॉक जमा कर रखा है। दुकानदारों को दिवाली तक व्यापार तेज रहने की उम्मीद है। बीसी न्यूज में आपका स्वागत है, मैं मयूर तिरपुरे। भाई बहनों का प्यार का बंधन मतलब रक्षाबंधन, और इसी रक्षाबंधन की आप देख सकते हो हर तरफ अभी धूम मची हुई है। आता राखी आलेली आहे आणि राखीमुळे खूप एक्साइटेड राहतात आपल्या भावाला राखी बांधायसाठी, आणि मी पण सुद्धा आली आहे इथं राखी खायला। आम्ही दरवर्षी इथेच राखी खायला येतो आणि 2 वर्षाचं कोरोनामध्ये राखीमध्ये गेले आहे, म्हणून इथे छान छान राख्या मिळते। सिलवाड़ा से बीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन विक्की थापा के साथ मयूर तिरपुड़े की रिपोर्ट।